तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पढ़ने। आज के वीडियो लेक्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल का बेहतरीन चैप्टर जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स समझ लीजिए जो आपके 6 नंबर में आपको दिला सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल बहुत से स्टूडेंट्स की बैक आती है, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे बिल्कुल आसान तरीके से और आपने इस तरह से इसको पढ़ लिया तो आपकी बैक आने के पूरे बिल्कुल चांस कोई नहीं बचेंगे। ठीक है, आप उन्हें कि आप पूरी ऑल क्लियर करेंगे सेमेस्टर को इस प्रकार से बिल्कुल आसान तरीके, वो भी अच्छे नंबर से। देखिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव पैसिव वॉइस, एक बेहतरीन चैप्टर जिसके नेम है आपका एक्टिव पैसिव वॉइस। देखिए, बिल्कुल साधारण चैप्टर, बिल्कुल अच्छा चैप्टर है। देखिए तो इसमें लिखा है एक्टिव पैसिव वॉइस को बनाने के लिए कि आपको हमें मुख्यतः क्या 5 नियम को फॉलो करना होगा। ठीक है, एक्टिव पैसिव बनाने के लिए हमको क्या मुख्यतः 5 नियम को हमको उसमें फॉलो करना होगा, उनको हम क्या उनको अच्छे जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है हमारा, जैसे हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, देखो तो पहले आपको सेंटेंस दिखा देते हैं। हमने एक सेंटेंस लिख के दिखाते हैं, इसमें लिखा हरी, जैसे मैंने कई सेंटेंस लिखा हरी हरी इज प्लेइंग क्रिकेट, ये मैंने सेंटेंस लिख लिया हरी इज प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका सेंटेंस लिखा। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये वाला पार्ट हमारा शुरुआत का सब्जेक्ट होता है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, ये हमारी क्या मेन वर्ब कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, और हमारे एक लास्ट बचेगा क्या ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव पार्ट होता है, ये वर्ब वाला पार्ट होता है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बना होता है, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। तो देखिए, इस प्रकार को एक्टिव पैसिव समझने के लिए हमको क्या मुख्यतः 5 नियम को जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे क्या होता है। देखिए सिंपल सा, तो मुख्यतः 5 नियम क्या होते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट के स्थान पर पुट करना होता है, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऐसे हमारे इसमें क्या ऑब्जेक्ट है हमारा क्रिकेट, तो क्रिकेट यानी इसमें तो कोई सब्जेक्ट है, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा एच बी यानी हेल्पिंग वर्ब, ए मेन वर्ब, एम बी लिखा हमने और हमको इसको ऑब्जेक्ट लिखा, तो ऑब्जेक्ट को हमको सब्जेक्ट के प्लेस पर पुट कर देना। तो देखो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर करेंगे। अब चेंज इन टेंस, हमारा जो टेंस है अभी मान लीजिए इस प्लेइंग लिखा है, इस प्लेइंग को हम कहाँ कन्वर्ट करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इसमें अगले टेंस में। ठीक है, तो इसको हम अगला टेंस यानी कि इसको हम चेंज टेंस चेंज करें, जैसे लिखा इस प्लेइंग तो क्या हो जाएगा इस बीइंग प्लेड, तो हम इसके चेंज में टेंस करें। ठीक है, और नंबर नेक्स्ट क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको प्रयोग करना है। आपका अगर आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे हैं, ठीक है, अगर एक्टिव से आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो आपको हमेशा याद रखना कि आपको हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म ही प्रयोग करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप कहीं भी प्रयोग नहीं करें, ना ही आपको सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना, हमेशा आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना होता है। इतना याद हो गया। अब देखिए, लास्ट में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने है, आपको बाय का प्रयोग करना होता है, बी बाय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कुछ कंडीशंस होती है, हम उसमें टू का ही प्रयोग करते हैं, एट का ही प्रयोग करते हैं, इनका ही प्रयोग करते हैं, वो आपको बताए जाएंगे आगे। तो देखिए, इसकी पार्ट टू में आपको बताए जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या, सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर चेंज इन टेंस यानी बाकी के अनुसार परिवर्तन करेंगे, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना, फिर आपको बाय का प्रयोग करना, और जो हमने सब्जेक्ट को कहाँ रखें, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान रख देंगे, कि हमारा सब्जेक्ट इसमें लिखा हरी, अब हरी को उठा कहाँ रख देंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम इसमें रख देंगे। तो अब देखो, इसका हम एक सिंपल सा आपको बनाकर दिखा दें कैसा डेमो होता है। देखिए, ऐसे लिखा हरी इज प्लेइंग क्रिकेट लिखा इस प्रकार से, तो ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट के स्थान रखना, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या लिखा क्रिकेट, तो हमने क्रिकेट हमने उठा के यहाँ रख दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। अब चेंज इन टेंस, हमारा एज लिखा तो इसका क्या हो जाएगा एज बींग, अभी आपको बताना है कि चेंज कैसे करते हैं इन टेंस के, तो इसका क्या हो जाएगा एज बींग क्रिकेट इज बींग प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी हमारी प्लेड, आईएनजी से कोई मीन रहेगा आपको क्या लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म ही प्रयोग करनी, तो प्लेड हो गया। अब यहाँ पे लगा वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लिखना हमको बाय, तो प्लेड बाय हरी हमने इस प्रकार से इसमें लिख लिया, हमारा एक एक्टिव से ये तो हमारा एक्टिव से हमने क्या बना लिया पैसिव, हमने इसमें कंप्लीट कर लिया। अब इसके नियम पढ़ते हैं, तो देखिए इतना आपको कंप्लीट हो गया। अब देखो, इतना तो आप समझ गए होंगे बिल्कुल आसान तरीके से, आपको मुख्यतः 5 नियम्स को ही फॉलो करना है। आपके 5 नियम्स के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर बदलेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर चेंज इन टेंस करेंगे, इसके आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है और इसके बाय का प्रयोग करना है, फिर इसके बाद आपको क्या करना होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमको रखना होता है। इतना समझ गया। अब देखो, हमने लिखा मेन टॉपिक आता है कहाँ बच्चे गलती कहाँ होती है, वो होती है चेंज इन टेंस की, वो वाक्य में परिवर्तन सही से नहीं कर पाता, वाक्य का परिवर्तन वो सही से नहीं कर पाता। देखिए उनको सकते हैं, देखो अब हम टेंस कैसे चेंज करें, तो वाक्य में परिवर्तन कैसे करते हैं, अगर आपको एक्टिव अगर आपने देखो और आपने टेंस नहीं पढ़े पहले, तो टेंस आप पिछली वीडियो में आकर पढ़ लीजिए, इसमें आपको अलग अलग वीडियो में प्रेजेंट को पढ़ाया गया, पास्ट को, फ्यूचर को अलग अलग वीडियो में उसको डिस्क्राइब किया गया बिल्कुल आसान तरीके से, उनको आप पहले पढ़ लीजिए, फिर आप इसको एक्टिव पैसिव वॉइस, जिसके बाद आपको राइट अपने आप आने लगेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आपको टेंस आते हैं तो आपको आसानी से इसको समझने में आसानी होगी। तो देखिए, अगर आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसा, आपका अगर आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, उसमें हम इज एम आर लगा दें। अगर आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे रखा है तो हम इसमें इज एम आर का प्रयोग करके उसको हम हल करेंगे। उसका एक एग्जाम्पल समझ लेंगे सर, ये क्या होता है। देखिए जैसे मैंने लिखा देखिए अरुण बाइस, अब एक इसका एग्जाम्पल है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया, हमका इसको क्या बनाना पैसिव वॉइस बनाना, तो हमको क्या करना इसमें इज एम आर का प्रयोग करना होगा। तो देखो हम लिखेंगे क्या, आ बुक, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किस तरह लिखा, आ बुक लिखा हमने आ बुक। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट को कहाँ कन्वर्ट करेंगे हम,
इस एमआर में कन्वर्ट करते हैं। बुक के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक बुक है तो इसलिए लगा इज अ बुक इज बाय की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बाउट। अ बुक इज बाउट बाय अरुण, सिंपल सा ऐसे आपको यूज करना है सभी टेंस में की करके। तो ऐसे लिखा हमने, तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट को एग्जाम्पल का प्रयोग करेंगे और आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस दे रखा है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का आपका एग्जाम्पल बताता है, ऐसे आपका इस प्रकार टेंस दे रखा, हरी इज प्लेइंग क्रिकेट, इस प्रकार कोई आपको एग्जाम्पल दे रहा है। तो आपको क्या करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखा, और देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस देखो तो आपको एग्जाम्पल का प्रयोग करना होगा सबसे पहले। उसमें हम क्या एक एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ते हैं, बींग का हमको उसमें प्रयोग करना होता है, बींग का आपको उसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ आपको बींग जोड़ना, तो देखो वही लिखा आपका, क्रिकेट इज बींग प्लेड, बर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय हरी, इस प्रकार से हमने देखा। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हम कंप्लीट कर लेंगे। अब अगले आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, यानी देखो आपको बस बेसिक का क्या करना होगा, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की ओर बढ़ देना, इसमें हम इजामा जोड़ देंगे और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को उसमें बींग जोड़ देना। इस प्रकार से हम इसको यूज करते हैं और आप इसके कॉमन सेंस से तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब जैसे लिखा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो हमें क्या करना होता है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आपको हैज़ अथवा हैव तो लिखते हैं, उसमें हो दिया होता है पहले से, उसमें प्लस हमको एक काम करना होता है बीन और जोड़ देते हैं। क्या हम उसमें केवल हम बीन जोड़ देते हैं, एक एग्जाम्पल समझाते हैं। एग्जाम्पल शुरू जैसे लिखा, ऐसे लिखा रामा, रामा रामा हैज़ स्टडीड मैथ, रामा हैज़ स्टडीड मैथ लिखा, ए फुल स्टॉप। हमारे कौन से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो मैथ को हम सबसे पहले स्टार्ट में रखेंगे, मैथ लिखा हमने मैथ। अब इसकी थर्ड फॉर्म की, तो मैथ के आपको क्या करना हैज़ अथवा हैव का प्रयोग, हैज़ अथवा हैव तो हम लगा है, मैथ हैज़ बीन स्टडीड, मैथ हैज़ बीन स्टडीड बाय रामा, ऐसे हमने लिख लिया इसमें से 12 में। तो इस प्रकार से आपको यूज़ करना हो, तो देखिए जब आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा तो हम इसमें हैज़ अथवा हैव के साथ बीन का प्रयोग हम करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट देखिए आपके लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अगर आपको कोई टेंस दे रखा है, हैज़ बीन अथवा हैव बीन उसमें पहले से दे रखा है, तो उसका कोई भी एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं मिलेगा। आप इसमें सिंपल से लिख देंगे नो चेंज, या फिर लिख सकते हैं नो एक्टिव पैसिव वॉइस, आप उसमें लिख देंगे नो पैसिव वॉइस इसका कोई बनेगा नहीं, ठीक है। तो इसका आपको नो पैसिव वॉइस इसका नहीं बनेगा, ठीक है। कोई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं, चाहे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनका कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। याद रखिए सभी के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता, ठीक है। तो हमने इसके प्रेजेंट के पूरे कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं पास्ट की ओर, तो देखो और आपका कोई टेंस पास्ट इंडेफिनिट दे रखा, ठीक है, और आपका कोई टेंस पास्ट इंडेफिनिट दे रखा, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसमें हम हेल्प में जाकर किसका यूज करेंगे, वॉज या वर्ब का प्रयोग करेंगे। एक एग्जाम्पल समझते हैं इसको, जैसे एक एग्जाम्पल समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, इसमें लिखा राम, राम वेंट टू आगरा, राम वेंट टू आगरा मैंने लिखा फुल स्टॉप। ये हमारा कैसा टेंस हो गया, प्रेजेंट नहीं पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा इसमें लिखा हुआ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान लिखेंगे, तो हमने लिखा आगरा, आगरा से हम इसमें यूज करेंगे वॉज, तो आगरा वॉज वेंट, इसमें सेकंड फॉर्म यूज किया हमको थर्ड फॉर्म यूज करना, तो गो वेंट गॉन, तो आगरा वॉज गॉन बाय राम, यानी कि आगरा राम के द्वारा जाया गया, ठीक है, ठीक है। इतना लिखा हमने, तो पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट। अब आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस, भाई सेम बिल्कुल पास्ट कॉन्टिन्यूस है, आपको वॉज और पहले से रखो, उसमें हमको केवल क्या बींग आपको जोड़ना होता है, बींग आपको जोड़ना होता है, इस प्रकार समझ गए आप। सेम इसके बाद देखो पास्ट परफेक्ट में क्या करना होता है, आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो, आपको केवल इसमें हैड बीन का प्रयोग करना है। पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान लिखेंगे, फिर हैड लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर पुट कर देंगे, ठीक है। आप देखो सेम भाई पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का कोई पैसिव वॉइस नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, बहुत ईजी है, लेकिन आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का अगर आपको कोई टेंस दे रखा है, इसका हम कैसे प्रैक्टिव पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो देखो फ्यूचर इंडेफिनिट को समझने के लिए आपको सबसे पहले, अगर आपको टेंस अच्छे से आते हो, टेंस को अच्छा आपको आना चाहिए, ठीक है, और आपने टेंस नहीं पढ़े तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए क्या करना होगा, आपको फ्यूचर इंडेफिनिट बनाने के लिए आपको तो बिल्कुल सिंपल से ऐसे एक एग्जांपल समझाते हैं, आपको ज़्यादा समझ आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट वैसे हम बिल भी अथवा सेल भी का प्रयोग करते हैं, बस इसको एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है, ऐसे लिखा अरुण, अरुण बिल गो टू शॉप, अरुण विल गो टू शॉप, ये हमने सेंटेंस लिखा इसमें। अब आपको क्या करना है, इसका हमको बनाना है बिल्कुल सिंपल सा पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस क्या है, पहले सबसे ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पर पुट कर दें, लेकिन शॉप, अब शॉप के साथ क्या लगाएंगे, बिल, शॉप बिल बी, बी आपको जोड़ देना है, शॉप बिल बी
गो की थर्ड फॉर्म गॉन बाय अरुण, इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस कंप्लीट। ठीक है, तो हमारे को क्या करना है इसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हम बदल देते हैं एक तरह से, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल बी का ही प्रयोग करते हैं। देखिए, तो फ्यूचर इंडेफिनिट आपको विल बी या तो शैल बी का प्रयोग करना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या करते हैं, नो पैसिव वॉइस, बिल्कुल सिंपल से नो पैसिव वॉइस का आपको यूज़ करना होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का कोई पैसिव वॉइस बनता ही नहीं दोस्तों। अब अगला देखिए, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट में आपको सिंपल सा विल हैव दे रखा होगा पहले से, आपको उसमें केवल बिन जोड़ देते हो, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव भी रहता है, शैल हैव बिन का इसमें प्रयोग करते हैं। और इसके बाद देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या, इसका भी कोई नो पैसिव वॉइस बनता है। तो इस प्रकार से हमारे मुख्यतः क्या, इनकम यूज़ करके आसानी से इसको हम बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने सभी टेंस को कन्वर्जन सीख लिया और एक्टिव पैसिव से पैसिव कन्वर्ट करना सीख लिया। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बिल्कुल सिंपल तरीके से, उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ाए जाएंगे जो आपके एक्टिव पैसिव वॉइस से चैप्टर जाएगा, क्योंकि उसमें आपको आदेशात्मक यानी कि आपके जो होते हैं ना ऑर्डर वाले, सलाह वाले, एडवाइस वाले, उनको पढ़ाएंगे। इसके साथ साथ इंटरव्यू टू पैसिव वॉइस को भी पढ़ाएंगे बिल्कुल आसान तरीके, जो आपके मोस्टली एग्जाम में आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।